तो दोस्तों, हाल फिलहाल में अमेरिका की तरफ से किए गए एक काम की वजह से भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या कि अमेरिका का वाणिज्य दूतावास है भारत के मुंबई के अंदर, और इस वाणिज्य दूतावास ने मुंबई पोर्ट को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर आते हैं रशिया के जहाज और हमने रशिया के जहाजों पर लगाया है प्रतिबंध, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप रशिया के इन जहाजों को अपने यहाँ पर ठहरने मत देना और ना ही का माल उतारना और ना ही इन जहाजों पर माल आप चढ़ाना। यानी कुल मिलाकर जो भारत का बंदरगाह है उसको अमेरिका का वाणिज्य दूतावास यह कह रहा था कि आप हमारे हिसाब से काम करिए। पर दोस्तों, आप सभी तो इस बात को जानते हो कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभुता वाला देश है और भारत किसी भी देश की सुनने वाला नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखकर ही कोई भी काम करता है। और रूस के जो जहाज भारत के यहाँ पर माल लाते हैं उससे भारत को अरबों डॉलर बच जाते हैं, और बस इसी बात को लेकर भारत ने अमेरिका का कड़ा प्रतिरोध किया है। और भारत ने साफ साफ तौर पर अमेरिका से कह दिया है कि अमेरिका ने जो कदम उठाया है और मुंबई पोर्ट को जो अपने हिसाब से काम कराने के लिए उन्होंने जो पत्र लिखा है, यह अमेरिका का बेहद ही अनावश्यक कदम है और यह भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि एक हम स्वतंत्र कंट्री है और स्वतंत्र कंट्री के हिसाब से हमें अपने फैसले लेने का अधिकार है। कोई भी देश हमें यह नहीं बता सकता कि हमें किस देश के जहाज रोकने हैं और किस देश के नहीं, क्योंकि हमेशा हम अपने हितों को प्राथमिकता देकर किसी भी देश के साथ व्यापार करते हैं। पर यहाँ पर अमेरिका की तरफ से ऐसा कहा गया है कि यह जो बातचीत है वो प्राइवेट तौर पर भारत सरकार और अमेरिका सरकार के बीच में हुई थी, परंतु आप सभी इस बात को जानते हो कि आम तौर पर इस प्रकार के जो पत्र लीक हुए हैं उससे यह साफ लग रहा है कि अमेरिका ने जो मुंबई हमारा पोर्ट है उसको यह आदेश देने की कोशिश करी है कि आप रूस का माल भारत के यहाँ पर मत उतारिए और रूसी जहाजों पर हमने जो प्रतिबंध लगाए हैं आप उसका पालन करिए। परंतु भारत सरकार की तरफ से अमेरिका के इन प्रतिबंधों को साफ साफ यह चेतावनी दे दी गई है कि यह प्रतिबंध किसी एक देश के हैं, ना कि संयुक्त राष्ट्र के। भारत हमेशा संयुक्त राष्ट्र के ही प्रतिबंधों को सुनेगा, किसी एक देश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन हम नहीं करने वाले। खैर, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारत सरकार को अमेरिका का और बड़े पैमाने पर विरोध करना चाहिए? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।